Hello and welcome friends. In this video, my name is Vishnu and you are watching me on Vishnu Rahidup channel. So today we are going to talk about the difference between highway and expressway in detail. Now without wasting time, let's get start this video. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हाईवे क्या होता है. इन बेसिकली हम सब ये तो पता है ही कि हाईवे एक तरह की सड़क, एक तरह की रोड होती है और उसको हम हिंदी में राजमार्ग के नाम से जानते हैं. हाईवे एक ऐसी तरह की रोड होती है जो दो सिटीज मीन्स दो शहरों को जोड़ने का काम करती है. और सिर्फ यही नहीं, ये अलग सभी सड़कों से अलग तरह की होती है और ये ऐसी बनाई जाती है जिससे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा और भारी से भारी वाहन ईजीली एकदम चल और दौड़ सकते हैं. और भारत में ज़्यादातर हाईवे दो या ज़्यादा से ज़्यादा चार लेन के होते हैं जिससे उस पर ट्रैफिक जैसी कोई दिक्कतें कम हो जाती हैं. और फिर भी यहाँ पर ये नहीं कि हम वाहनों को, व्हीकल्स को अनकंट्रोल मीन्स किसी भी स्पीड में नहीं चला सकते. यहाँ पर भी एक तरह की स्पीड फिक्स की गई है जो कि टू व्हीलर्स के लिए 80 किलोमीटर पर आर और फोर व्हीलर्स के लिए 120 किलोमीटर पर आर की होती है. और सिर्फ इसी स्पीड की वजह से ही वहाँ पर पैदल यात्री और साइकिल चालकों के लिए वहाँ पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सबसे लंबा हाईवे NH-44 है और सबसे छोटा हाईवे NH-47A है, तो वह हाईवे कहलाता है. Now let's talk about expressway. So basically expressway भी एक तरह की सड़क, एक तरह की रोड होती है जो एक basically highway जैसी ही होती है. But इनमें difference ये होता है कि जब किसी highway को कुछ तरह की facilities में सुविधाओं से less कर दिया जाता है, जैसे access ramp, grid separation और lane divider जैसी सुविधाओं से जब less कर दिया जाता है, तब वह रोड एक्सप्रेसवे कहलाती है. बेसिकली हम समझ सकते हैं कि हाईवे एक तरह की रोड होती है पर एक्सप्रेसवे एक हाई लेवल की रोड होती है हाईवे की कंपैरिजन में. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है. सो इट वॉज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाईवे एंड एक्सप्रेसवे. I wish you would like this video, and if you like, so please like and share this video and subscribe my channel. I will see you soon now with a new video. For the time, bye bye.